ना वी आर गोइंग टू डिस्कस हेजडियस वेस्ट रिडक्शन इस टॉपिक का डी स्टूडेंट्स ये मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस का जो वेस्ट है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कैसे कम कर सकते हैं कैसे ख़त्म कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डप अ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम टू कंट्रोल हैज़रस एंड प्रोवाइड फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑर्गेइजेशन के अंदर एमरजेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो तमाम मेकानिज़म होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन हाउ यू विल हैंडल हाउ यू विल टैकल द सिचुएशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट कम से कम हो तो उस वजह से भी काफ़ी हद तक हम हैज्स को कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंड कंडक्ट आ प्राइमरली साइट अवेल्यूशन जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उस जगह की अवेल्यूशन करें अगर वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है तो चांसिस है वहाँ पर हैजड्स किसी किस्म की पैदा ही नहीं होगी इम्प्लीमेंट अड कंट्रोल प्रोग्राम टू प्रिन्ट कंटेमिनेशन ऑफ एम्प्लॉज़ जो इम्प्लाईज़ हैं उनको हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट देने के लिए आर्गेइजेशन के अंदर साइड प्लान साइड प्रोग्राम होने चाहिए जिनको इम्प्लीमेंट करके हम काफ़ी हद तक आर्गेइजेशन की जो वेस्ट है उसको रेड्यूस कर सकते हैं ट्रेन एम्प्लॉज बिफोर अलाउंगटेड और एमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ ये दो अलीहद टॉपिक हैं इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन एक ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ एनी हैजर्ड हाउ यू हैव टू टैकल प्रोवाइड मेडिकल सर्वेलेंस एट लीस्ट एनुअली हर एम्प्लॉय को बाकायदा मेडिकली चेक किया जाए ताकि हमें मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मेडिकली जो फैसिलिटीज हैं वो तमाम एम्प्लॉय को प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं मिल रही इम्प्लीमेंट measure टू रिड्यूस exposure टू हेजेट substances. इसका भी मतलब ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर हैज़ट्स को कंट्रोल करना और वेस्ट को रिड्यूस करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप वेस्ट को रिड्यूस कर लें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि कंटेमिनेटेड वाटर है स्मोक है इसको कम किया जा सके या लेमिनेट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट डिवेल्प किया जा सकता है इम्प्लीमेंट आ Decontamination process that is used each time imply a piece of equipment leaves a hazardous area. अगर ऑर्गेनाइजेश में इक्विपमेंट को आप ओपन छोड़ दें उस वजह से भी किसी किस्म की प्रॉब्लम इंजरी पैदा हो सकती है डोल्प एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान डोल्प एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान टू कोऑर्डिनेट ऑफ साइड सर्विसज ऑन साइड सर्विसज ऑफ साइड सर्विसिज ये दोनों हमने प्रोवाइड करनी है विदिन दर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दर्गनाइजेशन ताकि दी ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सके आउटसाइड दी दर्गनाइजेशन भी उसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो वो इम्प्लाई आपका ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एनवायरनमेंट में आके अच्छा परफॉर्म कर सकता है गोल्स ऑफ हेजोडियस मटीरियल रेगुलेशन द गोल ऑफ दोलोडियस मटीरियल रेगुलेशन इज एज फॉलो एनकरेज एनकरेज कंपनीज टू मिनिमाइज द अमाउंट एंड ऑफ टॉक्सिटीडियस सबस्टांस दैट दे यूज़ जो मटेरियल केमिकल किसी किस्म का वो यूज़ कर रहे उसको कम से कम यूज़ करें अगर वो प्रोडक्शन के लिए लाजम है तो उसका उतना ही हिस्सा यूज़ किया जाए जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट है एंड एंडश्योर आर रिमेनिंगज आउ डिस मटेरियल आर यूज सेफली जो मटेरियल बच जाता है उसको सेफ एंड साउंड जगह पर रखा जाए एंड श्योर द कंपनीज आर प्रपेर टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड अप्रोप्रियट वन एक्सीडेंट्स अकाउट अगर किसी किस्म का एक्सीडेंट अकल हो जाता है तो उस वक्त रिस्पॉन्स रेट क्या है हाउ क्विकली यू मूव टू वर्ड दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस और उस साइड को कितनी जल्दी आप क्लियर करते हैं उस साइड को कितनी जल्दी मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों की मदद से आप काफ़ी हद हाँ तक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एजॉर्डिस वेस्ट जनरेटेड एंड इन टन दैट अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन टू वेस्ट स्ट्रीम थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोर्स रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर बाद वेस्ट को एलिमिनेट करने के बाद उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस भी की जाती है जैसे पॉलीथीन के शॉपर हैं एम पी बॉटल्स हैं इनकी बाकायदा रिसाइकलिंग से उससे दोबारा से मटेरियल बन सकता है और इस वेस्ट को काफ़ी हद हाँ तक एमिकबली प्रॉपर वे में कंट्रोल किया जा सकता है एजोडिस वेस्ट रिडक्शन में तीन चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग एफिशेंसी बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेटर मटीरियल सेलेक्शन ये तीन काम करके काफ़ी हद तक आप लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इसके बाद रिसाइकलिंग और रिक्लेमेशन रिसाइकलिंग से भी और रिक्लेमेशन से भी आपका जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके बाई प्रोडक्ट डिवेल्प की जा सकती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफे का बायस बनता है वेस्ट रिडक्शन प्लान स्टेटमेंट ऑफ परपज प्रॉपर एक प्लान है कि आप कैसे इसको डिवेल्प करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे एवेल्युट करेंगे जो कि स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ परपज से गोल विद टाइम टेबल स्ट्रेटीज फॉर अकम्पलिशिंग ईच गोल मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ ईच गोल ट्रैकिंग सिस्टम ऑडिट प्रोसेस इन सब अगर स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है प्लान इम्प्लीमेंट वैल्यूएट अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एग्जीक्यूशन है वैल्यूएशन है तो ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक वेस्ट को रिड्यूस कर सकती है वेस्ट रिडक्शन ऑडिट ऑडिट आपको मालूम है हमने जो सुना हुआ है वो एक प्रोसेस है यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैल्यूएट करते हैं ताकि वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्ट रिडक्शन ऑडिट भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट है वो प्रॉपरली डंप किया जा रहा है प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा रहा है अगर नहीं किया जा रहा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ें प्रॉब्लम का बायस बनती हैं आर्डिट इज़ वेरी यूजफुल टूल्स इन एनालाइजिंग हाउ फैसिलिटीज कैन रिड्यूस वेस्ट डिस्पोजल साइट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियल वेस्टेज की शक्ल में ज़ाया कर रहे हैं तो इससे भी मटीरियल कास्ट इंक्रीज होगी ऑर्गेइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज होगी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी प्रोफिट की बजाय आप लॉस में चले जाएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन देश रिडक्शन नंबर वन टारगेट प्रोसेस एनालाइज प्रोसेस ये दो पॉइंट को पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें इनपुट प्रोडक्शन आउटपुट अगर ये तमाम चीज़ें वेल कंट्रोल्ड हैं वेल प्लान्ड हैं तो चांसेस है कि वेस्टेज कम से कम होगी आइडेंटिफाइड रिडक्शन कंसिडर द कास्ट बेनिफिट रेशू ऑफ ईच अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स मिनिमाइज करना रिसोर्स को प्रॉपर यूज करना रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज ना करना इन चीज़ों की मदद से भी वेस्ट रिडक्शन काफ़ी हद तक कम हो सकती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ आर्गनाइजेशन विद प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ लीडिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग बेसिकली लीडिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट के ही फंक्शन हैं अगर इनको ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट भी अप्लाई करेंगे तो ये आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स आर एज अंडर मैनेजमेंट कमिटमेंट नंबर टू कन्फर्मिंग एनवायरमेंट पॉलिसी एनवायरमेंटल प्लानिंग ये जितने भी डी स्टूडेंट स्टेप्स हैं इन सब का जो मकसद है वो मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ है जिनके प्रिंसिपल्स कंपोनेंट्स को अडॉप्ट करके काफ़ी हद हाँ तक हम आर्गनाइजेशन के अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कलेक्ट्रॉनिकपोरेशन का ये एक आर्गनाइजेशनल हजार है जिसमें वाइस प्रेजिडेंट के नीचे अगर देखा जाए तो डायरेक्टर आकूपेशनल हेल्थ डायरेक्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डायरेक्टर सेफ्टी एंड और इन तीनों का बेसिक काम क्या है मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके हम कम्पैटिव एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हासिल कर सकते हैं कम्पैटिव एडवांटेज क्या है ये वो कोर कम्पैटिव एडवांटेज है जो कम्पैटर के ऊपर लीड लेने के लिए सबकत लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है मिनिमाइज फंड ऑफ इंटू नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज लिटिगेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट मैनेजमेंट नहीं तो वहाँ पे इम्प्लॉई को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ही विल शी विल गो इन कोर्ट कोर्ट के प्रोसेसिंग चल रहे हैं कोर्ट के प्रोसेस चलने के ऊपर लिटिगेशन कास्ट आएगी लीगल कास्ट आएगी तो इससे बचने के लिए भी हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पोटेंशियल बेनिफिट्स भी इसके हैं वो कौन कौन से हैं रिडक्शन इन लाइबिलिटी रिस्क लाइबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पे करनी होती है आउटसाइडर को स्टेक होल्डर को उसमें कमी आ जाती है रेगुलेटरी इंसेंटिव वो वेस्ट से जो पैसा बचता है उसको इंसेंटिव के लिए यूज़ किया जा सकता है सेंटेंसिंग मिटिगेशंस चीज़ों को कॉपी करने के लिए फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए पोल्यूशन एंड वेस्ट रिडक्शन प्रॉफिट्स में इजाफा करने के लिए कम्युनिटी गुडविल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनवायरमेंट फ्री होती हैं इन्वायरमेंट हेल्दी होती हैं एनवायरमेंट इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन स्मोक कंटेमनेटेड वाटर सोसाइटी का ख्याल रखती हैं उनकी सोसाइटी में रेप्यूट अच्छी डिवेलप हो जाती है रिटेंशन ऑफ हाई क्वालिटी वर्कफोर्स एम्प्लॉई को ज़्यादा अरसे तक आप रिट्रेन रख सकते हैं इंश्योरेंस प्लान आपके अच्छे होते हैं और लास्ट प्रेफरेंस इन लैंडिंग आप वही पैसा कहीं और स्पेंड करके इंप्लाई की बेनिफिट्स के लिए हेल्थ के लिए सोशल वेलफेयर के लिए स्पेंड कर सकते हैं